अच्छे से काम कर, क्या मरे मरे हाथों से काम कर रहा है। खाना खाने के टाइम पे तो दोनों हाथों से टूटता है और काम करने के टाइम पे तो मर जाता है। लेकिन मैडम मैं तो अच्छे से साफ कर रहा था, आपने फिर भी चाटा मार दिया मुझे। अच्छा इसका मतलब मैं गलत हूँ, मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता ना, आराम आराम से लड़कियों की तरह नाजुक हाथों से साफ कर रहा है। एक काम कर, चूड़ी और पहन ले। सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुझे ना अभी ने सर पे चढ़ा लिया है, पता नहीं उसको तुझमें ऐसा क्या दिखता है जो उसने तुझे इतना सर पे चढ़ा लिया है। मेरी अच्छाई देखी थी मैडम, क्योंकि वो है ही इतने अच्छे, कभी मुझे ना नौकर की तरह नहीं रखा, हमेशा छोटे भाई की तरह रखा है। यही तो सबसे बड़ी गलती है अभी की, तुम गरीबों को अपने बगल में लाके बिठा लिया। तुम गरीबों को ना जूते मारने चाहिए दिन रात, जिससे तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए। अब क्या मुझे यहाँ खड़े खड़े देखता रहेगा? चल मुझे क्लब जाना है। चलिए बहुत हुआ काम, अब है लंच टाइम। अरे साहब अभी तो कहीं बैठे हो, जाइए आप भी कुछ खा लीजिए। कब तक कहीं बैठे रहोगे, हो गया काम जितना होना था, आप कुछ खा लीजिए। माफ कीजिए मदन साहब, एक बात बताऊं, बहुत सर चढ़ा रखा है आपने अपने नौकर को, इन छोटे लोगों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाते, इनको ज्यादा सर पे चढ़ाते हैं तो सारे सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं लोग। ये जिस थाली में खाते हैं ना उसी में छेद करते हैं, उसी में थूकते हैं लोग। चुप करिए आप, ये कोई नौकर नहीं, मेरा छोटा भाई है। मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाइए आप, और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना मुझे। मदन साहब आप बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। तेरी कोई इज्जत भी है? चला जाए यहां से वरना धक्के मार के निकलवा दूंगा। मदन साहब देख लूंगा आपको। आपने मेरी वजह से अपने क्लाइंट को भगा दिया। तू नौकर नहीं, मेरा छोटा भाई है, अगर कोई तेरी बेइज्जती करेगा तो मैं उसके साथ ऐसे ही करूंगा। बहुत बातें बनाने लग गए आप, चलिए अब खाना खाइए। अभी मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने प्रिंस की वजह से अपने क्लाइंट को छोड़ दिया। हाँ तो क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आता उस प्रिंस ने तुम्हारे पर क्या जादू किया हुआ है जिसकी वजह से तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। कोई जादू नहीं कर रखा, मैं बता दो सच्चाई क्या। क्या हुआ अभी उदास क्यों है? यार प्रिंस मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। थोड़ा पैसा तो है मेरे पास, थोड़ा पैसा और चाहिए। यार देख मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, बहन की शादी के लिए जोड़े थे, वो तू ले ले। यार मैं तेरे पैसे नहीं ले सकता, और बहन की शादी के पैसे तो वैसे ही नहीं ले सकता। अबे भाई बहन की शादी के लिए ना अभी 7-8 साल है, ठीक है, तो हमारे पास बहुत टाइम है, तो वो पैसे तू ले ले, तेरे काम आएंगे। और भाई जब बहन की शादी का टाइम आएगा ना तो दोनों भाई कर लेंगे मिल बांट के शादी। अगर तू पैसे देगा तो आज से मेरा बिजनेस पार्टनर। नहीं यार अभी मुझे कोई बिजनेस पार्टनर नहीं बनना, यार मेरे को बिजनेस की कहाँ नॉलेज है। जो काम मैं अभी करता हूँ ना वो काम मैं तेरे लिए भी कर दूँगा, अभी भी मैं ड्राइवर हूँ और तेरा भी मैं ड्राइवर ही बन जाऊँगा, ठीक है। उसकी अच्छाई तो देखो, उसने वो काम मांगा जो उसे आता है ड्राइविंग का, और हाँ वो मेरी फैमिली है और साथ साथ तुम्हारी भी। ओ बस उस भिखारी से तुम ही रिश्ता रखो, चलो छोड़ो ये सब, मुझे पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए। प्रिंस तो बोल रहा था अभी 2 दिन पहले तुमने अकाउंटेंट से 2 लाख रुपए मांगे। अरे वो हाँ मम्मी को आज शॉपिंग कराने ले जाना है। अकाउंटेंट को बोल दूंगा वो डाल देगा। ओके बाय टाटा। बड़ी जासूसी कर रहा है ना ये प्रिंस मेरी, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है ना क्या करना है? अरे मैडम टेंशन क्यों ले रही हो, आपने पैसे दे दिए ना, हड्डी पसली दोनों तोड़ देंगे। गुड ठीक है मैडम, काम हो जाएगा तुम्हारा। अब जब पिटेगा ना वो भिखारी तब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। हाँ
दिखा दी अपनी औकात। अभी ये तो बस ऐसी, पहले ही बता देती मेरे से प्यार नहीं करती, मेरे पैसों से प्यार करती है। 7-8 लाख रुपए तुझे वैसे ही दे देता। नहीं अंकित, ऐसा कुछ नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैं बताता हूं, मैं रोड से जा रहा था, वहाँ मैंने देखा तुम किसी और लड़के के साथ हाथों में हाथ डाल के खड़ी थी, और फिर मैंने आसपास पूछताछ की तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम हर रोज वहाँ पर नए लड़के के साथ जाती हो। फिर मैंने प्लानिंग की अंकित के साथ मिलके, जिसमें तुम फंस गई। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा मैं प्रिंस को इतना क्यों मानता हूँ। मैडम, ये तो साहब की अच्छाई है, जो मेरी एक अच्छाई की वजह से इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, लेकिन आपने हमेशा ना इनको मेरे खिलाफ़ भड़काया। मैडम, मैं गरीब जरूर लेकिन एक इंसान भी हूँ। नौकर और मालिक के रिश्ते को ना बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब नौकर और मालिक बिल्कुल फैमिली की तरह रहते हैं। जैसे कि मालिक ने अपने नौकर की बिटिया की शादी कराई, नौकर के बेटे को पढ़ाया, उनको पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाया। और इतना ही नहीं, नौकर के लिए भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब नौकर ने अपनी जान पे खेल के अपने मालिक की जान बचाई, उनकी बुढ़ापे में सेवा की। और यार, ये तो बस अपनी सोच सोच की बात है। चलिए दोस्तों, आज ना एक मुहिम चालू करते हैं नौकर और मालिक की। अगर आप नौकर हैं ना, तो इतना अच्छा काम कीजिए कि आपका मालिक आपके काम को देख के ये बोले कि बस तू यही काम कर सकता था, तेरे अलावा ना ये कोई और काम नहीं कर सकता था जितना अच्छा तूने किया है। और अगर आप मालिक हैं तो अपने नौकर से ना बस एक बार प्यार से बोलिए कि यार तू ये कर, बस तू ये कर, फिर देखना आप वो ना आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है। क्योंकि यार ये जो नौकर लोग होते हैं ना, दिल के बहुत साफ़ होते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए बस आपका प्यार, अपनापन। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी बात अच्छी है या नहीं है, प्लीज़। और हाँ शीतल, आप ना अपनी सोच बदलिए, पैसों के पीछे ना भाग कर ना एक अच्छे इंसान से प्यार कीजिए, फिर देखना आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। चलो यार, चलते हैं।